जय हिंद जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेकर आई आपके सामने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन यहां पे एक साथ करने वाले हैं अभी। तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट द टेबल, क्या लिखा है, कंप्लीट द टेबल, यानी ये टेबल आपको दे रखी है, इसको किस तरह से अपने को सॉल्यूशन करना होगा। जैसे अपन ने 9.2 के अंदर एक टेबल अपन ने कंप्लीट की थी, उसी तरह से यहां पे भी आपको क्या करना है। यहां पे लिखा है फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट जो आएगा वो आपको यहां पर लिखना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से करना है। बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट किस तरह से करते हैं। देखो यहां पे लिखा गया है फर्स्ट, ध्यान रखना, मैं आपके सामने यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं। फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, यानी a लिखा हुआ फर्स्ट एक्सप्रेशन में, फिर मल्टीप्लाई करना है यहां पे b प्लस सी प्लस डी, इनका a का इन तीनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैंने आपको सिखा दिया था कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, यानी a का मल्टीप्लाई एक बार b के साथ, a का मल्टीप्लाई एक बार c के साथ, a का मल्टीप्लाई एक बार d के साथ। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो a मल्टी b प्लस a मल्टी c प्लस a मल्टी d। अब क्या होगा यहां पे देखो, तो a b प्लस a c प्लस a d, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, यहां पे लिखना है इसको a b प्लस a c प्लस ए डी, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना इसमें क्या कहना चाह रहा है, यहां पे थोड़ा मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड देखो एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, तो कैसे लिखेंगे देखो, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है इसके सामने फाइव एक्स वाई का, किसका करना है, फाइव एक्स वाई का। यानी कैसे करेंगे देखो, इस 5x का मल्टीप्लाई पूरा x के साथ, फिर y के साथ, फिर आपका किसके साथ होगा, 5 के साथ। तो कैसे करते देखो मल्टीप्लाई, वो आपके सामने लिखने वाला हूं। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखकर आपको सॉल्व करना होगा, फिर यहां पे आपको क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट। देखो तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखना फिर 5xy और x, तो यहां लिखेंगे अपन x मल्टी 5xy, ओके, यहां तक समझ में आ गया। फिर लिखेंगे प्लस, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिखा देंगे, और y मल्टी 5xy, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखना क्या करना, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 5 मल्टी 5xy। अब कैसे होगा देखना, x का मल्टीप्लाई करो 5x के y के साथ, यानी x x x दो बार है तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे देखो 5x2y, समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर यहां पे प्लस, तो यहां पे लिखेंगे अपन प्लस लिखेंगे, अब y का मल्टीप्लाई 5xy के साथ करना है, यानी y कितनी बार है, दो बार, तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 5xy स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे माइनस है, क्या है, तो माइनस लगा दिया, तो 5 का मल्टी 5 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 25, और पीछे क्या है xy, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रोडक्ट को आप यहां लिख सकते हैं, कैसे लिखना है देखो, 5x2y प्लस 5xy2 माइनस 25xy। अब देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने कैसे होने वाला है, क्वेश्चन थर्ड आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, पी पी मल्टी यहां पे लिखेंगे 6p² माइनस 7p प्लस 5, यानी p का एक बार 6p² के साथ मल्टीप्लाई, p का माइनस 7p के साथ मल्टीप्लाई, p का 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे p मल्टी 6p², फिर बीच में क्या माइनस, तो यहां लगा देंगे माइनस लगा देंगे, फिर p मल्टी क्या हो जाएगा 7p, ओके, फिर हो जाएगा प्लस, बीच में क्या आ गया प्लस, यहां जो होगा वो यहां पे लिखते रहना है, पी मल्टी 5, तो पी मल्टी क्या हो गया 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो p है और यहां p² है, तो इसको लिख सकते हैं 6p³, क्या लिखेंगे क्यूब, फिर माइनस, यहां पे p और यहां पे p है तो यहां लिखेंगे 7p² और p मल्टी 5 का क्या हो जाएगा प्लस 5p, तो ये हो गया आंसर। इस आंसर को कहां उतारेंगे, यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो 4 कैसे होने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना, 4p² q², क्या लिखा है यहां पर, 4p² q² मल्टी, यहां पे क्या है,
कोष्ठक में लिख दो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब कैसे सोल्व करेंगे, यानी इस कंडीशन को पूरा पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस कंडीशन को पूरा माइनस क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखना, देखो लिखना कैसे, यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका जो आंसर आएगा वो आपको लिखना होगा। तो देखो फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टी पी स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया, आ गया होगा। अब देखो यहां पे माइनस लिख दिया, अब फिर फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टी, और यहां पे क्या है माइनस क्या है, तो यहां माइनस लगा दिया, तो यहां पे क्या लगा देंगे क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां पर पी स्क्वायर है और यहां पर भी पी स्क्वायर, पी स्क्वायर पी स्क्वायर कितना हो गया पी की पावर फोर, यहां पे लिखेंगे फोर पी की पावर फोर और क्यू स्क्वायर, फिर बीच में क्या बेटा माइनस है, क्या है यहां पर माइनस है। अब देखो यहां पर क्यू स्क्वायर है और यहां पर क्यू स्क्वायर, तो क्यू की पावर क्या हो गई फोर, तो इसको लिखेंगे फोर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो यहां पे उतार लेंगे इसको फोर पी की पावर फोर क्यू स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस फोर पी स्क्वायर और क्यू की पावर क्या हो जाएगी फोर, क्या हो जाएगी यहां पर फोर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगी क्यू की पावर फोर। अब यहां पर लिखा ए प्लस बी प्लस सी और यहां पे लिखा ए बी सी, यानी ए बी सी का एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई, ए बी सी का एक बार बी के साथ और ए बी सी का एक बार सी के साथ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब बात करते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आ जाइए मेरे सेशन में बात करते हैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी सीधा आपको क्वेश्चन दे रखा है मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आपको बीच में क्या दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अपन ने सीख लिया है। तो कैसे करेंगे, तो आ जाइए सभी मेरे बाबूओं बात करते हैं यहां पर a की पावर 2 मल्टी 2 a की पावर 22, फिर लिखा मल्टीप्लाई में 4 a की पावर 26, यानी सभी डिजिट डिजिट अलग कर दो और यहां पे जो a की जो फॉर्म लिखी गई है उनको भी अलग कर दो, कैसे करते देखना। तो यहां पे लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे मित्रों सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है सॉल्यूशन। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको, यहां पे a की पावर 2 मल्टी 2 a की पावर 22 मल्टी 4 a की पावर 26, यानी सभी यहां पे जो डिजिट डिजिट लिखी गई है वो सभी संख्या अलग कर दीजिए, यानी इसके साथ क्या है 1 है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे देखना 1 मल्टी 2 मल्टी 4 ये अपन ने अलग कर दिया, फिर मल्टीप्लाई। अब देखना यहां पर a की पावर क्या है, a की पावर 2 है तो 2 लिख दिया, फिर a की पावर यहां पे क्या है 22 है तो साथ में क्या कर दिया 22 लिख दिया प्लस में, फिर यहां पे क्या होगा a की पावर 26 तो प्लस कर दिया 26, यानी इन सभी को जोड़ देंगे तो a की पावर आ जाएगी और इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर पूरा आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना देखो 1 मल्टी 2 2 2 टू जा 4 यानी क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, तो यहां पर आ गया 8। अब यहां पे a की पावर 2 22 और 26 इन सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो देखो 20 यानी 6 2 2 कितना हो गया यहां पे 6 2 2 यानी हो गया 10, 10 का आ गया आपका 0 1 कैरी, तो 2 2 4 और यहां पे हो गया 5, यानी टोटल a कितने हो गए a की पावर 50 हो गई, क्या हो गई a की पावर 50, तो यहां पे a की पावर 50 लगा देंगे तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल एक बार वापस देख लीजिए, क्या करेंगे देखो यहां पर जो मल्टीप्लाई था उसी तरह से मैंने लिखा है और यहां पर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 हमेशा होगा, ठीक है, डिजिट डिजिट अलग कर दिया और a की पावर मैंने यहां पर अलग कर दिया, तो डिजिट 1 मल्टी 2 मल्टी 4 लिख दिया मल्टीप्लाई a की पावर, फिर यहां पर 2 था 22 था 26 था, यानी सभी को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, जो एक्सपोनेंट पावर में अपन ने सीखा था a की पावर m प्लस n वाला, ठीक है, तो इन सभी को जोड़ दिया यानी कितना आ गया a की पावर 50 और इन सभी का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया a, यानी क्या हो गया आंसर 1 a की पावर 50। अब देखना क्वेश्चन सेकंड कैसे करने वाले, तो यहां पर देखो सोल्यूशन कैसे होने वाला है, देखो यहां पे लिखा 2 बाई 3 तो अपन लिखेंगे सबसे पहले 2 बाय 3 एक्स वाई मल्टी माइनस 9 बाय 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कैसे मल्टीप्लाई करना देखो डिजिट डिजिट अलग कर दो 2 बाय 3 मल्टी माइनस 9 बाय 10 ये मैंने अलग कर दिया, फिर देखो यहां पर अब यहां पर क्या लिखा यहां x है और यहां y है, फिर यहां पे x स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो कैसे होगा देखो
एक्स है और यहाँ एक्स है, तो क्या हो गया, एक्स की पावर क्यूब हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है वन, तो एक्स वन हो गया, यहां पर एक्स टू है, तो कितना हो गया एक्स की पावर थ्री, तो यहां पर लिख देंगे एक्स की पावर थ्री। फिर यहां पे y है और यहां पर y स्क्वायर है, यानी क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा y की पावर थ्री। ये तो सिंपल है, सीधा हो गया। अब कैसे करना, देखो यहां से देखो, थ्री की टेबल से नाइन कट रहा है, तो कैसे काटेंगे इसको, थ्री थ्री जा नाइन, यानी कितनी बार गया, तीन बार, ठीक है। फिर टू की टेबल से टेन कट रहा है, तो कितनी बार गया, फाइव टाइम, यानी यहां पर क्या क्या बचा, वन, तो वन का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस थ्री बाय फाइव, और पीछे क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये हो गया इसका आंसर। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल वापस देखे इस वीडियो को, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर की, तो बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर की। तो देखो किस तरह से सोल्यूशन करना है, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर टू किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां पे माइनस टेन बाय थ्री लिखा है और यहां पे सिक्स बाय फाइव लिखा है, यानी इसको लिखेंगे, देखो पहले तो टेन बाय थ्री पी क्यू की पावर थ्री मल्टी सिक्स ओपन फाइव पी की पावर थ्री क्यू, समझ में आ गया। अब देखो डिजिट डिजिट यहां पे क्या कर देंगे अलग, तो माइनस टेन ओपन थ्री मल्टी सिक्स ओपन फाइव, इनको किसमें लिख दिया, बॉक्स में लिख दिया। फिर यहां पे पी क्यू की पावर थ्री मल्टी पी की पावर थ्री और क्यू, तो कैसे करेंगे देखना, यहां से फाइव से सिक्स कट रहा है, सॉरी फाइव से क्या कट रहा है, यहां पर टेन कट रहा है, क्या कट रहा है टेन, तो फाइव टू जा टेन और फाइव वन जा फाइव। फिर यहां से थ्री की टेबल में थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो आपके सामने क्या बच गया, यहां पर माइनस का टू और यहां पर बच गया टू, ओके। फिर यहां पे देखना, यहां पर पी है और यहां पर पी क्यूब है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी की पावर फोर हो जाएगा, और यहां पे क्यू थ्री है और यहां पर क्यू है, तो यहां पे हो जाएगा क्यू की पावर फोर, ठीक है। अब माइनस टू और प्लस का टू दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो माइनस का फोर आएगा और साथ में देखेंगे पी की पावर फोर और क्यू की पावर फोर, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर आप कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरे सोना बाबू, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।